देखिए, जैसे हम अपने पेटीएम पर किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करते हैं, ठीक है, मान के चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर रहे हैं और हम प्रोसीड पर टिक करके पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पर कार्ड वगैरह हैं, तो एक्चुअली मैम यहाँ पर कार्ड को एंटर कर भी देते हैं और लगा भी देते हैं। अब हमारे पास बेसिकली दो कार्ड है। देखिए, एक तो यहाँ पर हमारा है ब्लॉकेड, ठीक है। यहाँ पर जब हम एक्सिस ऐप पर जाएंगे तो जब यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो लॉगिन पर टिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पिन डालनी पड़ेगी अपनी, तो मैं पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद यहाँ पर बेसिकली ये खुल जाएगा। खुल जाने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जब हम इस तरीके से आएंगे पेज पर तो चेक कर लीजिएगा कि आपका कार्ड ब्लॉक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी है, उस क्रेडिट कार्ड को हम डालते हैं, ठीक है, पेटीएम, और यहाँ पर इसे हम एंटर कर देते हैं अपने कार्ड नंबर को। ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं जो भी हमारा यहाँ पर प्रोसेस में लगती हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद डायरेक्टली जो है यहाँ पर ये पेमेंट के सेक्शन के पास पहुँच जाएगा। अब क्या होता है गाइस कि यहाँ पर जो ऑथेंटिक देने के लिए हमारा कार्ड तो ब्लॉक होता है, तो यहाँ पर पेमेंट आएगी कैसे। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ऐसे ही, ये गलत ओटीपी डाल देते हैं तो, और उसके बाद यहाँ से बैक करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है इस तरीके से जो हमें दिखाई दे रहा था, लुक्स लाइक यू अबेंडेड। तो अगर हमें पेमेंट करनी है तो क्रेडिट कार्ड से, जैसे कि कोई ब्लॉक ना हो उससे करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो यहाँ पर पेमेंट है वो फेल्ड ही दिखाएगी, या फिर कोई कंडीशन और है उसकी वजह से भी आपको पेमेंट फेल्ड ही यहाँ पर दिखाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।